Hi students, how are you all? So today we will be discussing a topic from 6th class, that is whole numbers. Yeah. So आप लोगों को पता है कुछ कि whole numbers कौन से numbers होते हैं? Okay. Let me tell about that. So होल नंबर से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. तो पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन आर टर्म्ड एज नेचुरल नंबर्स. वो नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. और अगर हम उस सेट में ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं. होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. जैसे नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. बस जस्ट दिस इज़ द डिफरेंस. यही एक डिफरेंस है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बीच में. तो एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो आगे चलते हैं. तो अगर हम एक क्वेश्चन पुट अप करते हैं, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999. नेचुरल नंबर्स, ऐसे हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स नॉर्मल नंबर्स होते हैं और सभी नंबर्स एक्सेप्ट ज़ीरो नेचुरल नंबर्स होते हैं. तो अगर हमें पूछा है कि 10999 से नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स हमें बताने हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 10999 प्लस 1 11000, 11000 प्लस 1 11001, 11001 प्लस 1 11002. सो ये तीनों नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे. और अगर किसी को अभी होल नंबर के बारे में क्लियर नहीं हुआ तो हम नंबर लाइन से भी इसको समझ सकते हैं कि नंबर लाइन पे ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं और वन से लेके स्टार्ट करते हैं आगे तक, ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. और अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं. ये नेचुरल, ये होल. क्लियर? ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. लेट्स प्रोसीड. सो एक और टॉपिक आता है, प्रीसीडर एंड सक्सेसर. प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर. सो प्रीडिसेसर कौन से नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं प्रेडिसेसर्स? तो प्रेडिसेसर्स, द नंबर विच कम्स बिफोर द गिवन नंबर इज नोन एज प्रेडिसेसर. लेट अस सपोज अगर हमें कोई नंबर गिवन है 20, तो उसका प्रेडिसेसर क्या होगा? उसका प्रेडिसेसर होगा 19, या एक नंबर कम. या हम कह सकते हैं कि अगर हम उस नंबर में से माइनस वन या वन सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो जो आंसर आएगा वो प्रीडिसेसर होगा. और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास नंबर है 1000 तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? माइनस वन करेंगे तो 9999. ओके, तो दिस वाज़ द प्रीडिसेसर. एंड सक्सेसर कौन होंगे? जैसे प्रीडिसेसर होते हैं द नंबर बिफोर, सक्सेसर होगा द नंबर आफ्टर. The number which comes after the given number is known as successor. If the number given is 0, then successor will be 1. And if the number given is 99, a successor will be 100. The number which comes just after the given number is known as successor. Clear? Okay, so there is one fact. That since 0 is the first whole number, it doesn't have any predecessor. 0 is the first number. 0 हमारे पास first number है, उससे पहले तो कोई digit नहीं है, कोई number ही नहीं है, तो इसलिए उसका कोई predecessor नहीं हो सकता. और successor हो सकता है. successor क्या होगा उसका, बताइए आप लोग. successor उसका obviously 1 होगा. So this was the topic of today. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा.